हाय फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं अकाउंट्स विथ टैली। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्टैंडर्ड आइटम्स हम कैसे यूज करेंगे। यूज स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में हम स्टैंडर्ड रेट का यूज कैसे करेंगे। तो स्टॉक आइटम के लिए स्टैंडर्ड रेट निर्धारित करना, आइए हम देखें कैसे करेंगे। जब हम व्यापार करते हैं या कुछ माल कंपनी से परचेज करते हैं, जिसमें से कई कंपनी अक्सर एक महीने या दो महीने या तीन महीने के लिए अपनी प्रोडक्ट्स के रेट को फिक्स कर देती है, और उसी फिक्स रेट से वो अपना प्रोडक्ट हमें सप्लाई करती है। मतलब कि किसी आइटम के लिए गुड्स के रेट भी फिक्स्ड हो जाती है, और अगर हम भी चाहें तो अपने प्रॉफिट और एक्सपेंसेस को जोड़कर उस आइटम के लिए कोई सेल्स प्राइस फिक्स कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए हम इन्वेंट्री इन्फो पे आए और एक आइटम हम यहां से क्रिएट कर लें, जिसमें हम स्टैंडर्ड आइटम्स फिक्स्ड करेंगे। तो जैसे हम क्रिएट ऑप्शन पे आएंगे और क्रिएट करेंगे, हम जैसे हम ले रहे हैं शुगर, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए हम आएंगे F12 में, कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे। यहाँ से हम आएंगे अनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम्स, और इसे हम यस कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, और हम इंटर प्रेस करके आएंगे नीचे। तो अंडर वगैरह हम रहने दें, और यहाँ पे है यूनिट्स। तो यूनिट्स हम शुगर केजी में परचेज करते हैं, तो हम केजी डालेंगे। जैसे ही हमने यूनिट्स डाला तो यहाँ पूछ रहा है स्टैंडर्ड रेट्स। अगर हम इसे यस, स्टैंडर्ड रेट हमें आइटम्स में लगाने हैं, तो हम इसे यस कर लें, यस करेंगे एंड इंटर प्रेस करेंगे। ये हमारे सामने स्टॉक आइटम्स शुगर की जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट बॉक्स ओपन है। अब यहाँ पे हम जिस मंथ के लिए स्टैंडर्ड रेट लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। जैसे कि हम 1 अप्रैल 2017 में रेट दे रहे हैं 40 रुपये पर केजी चीनी। इसी तरह 1 मई 2017 में हम 42 रुपये पर केजी चीनी बेच रहे हैं। इसी तरह 1 जून 2017 को हम 45 रुपये पर केजी चीनी बेच रहे हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया परचेज के लिए। अगर हम सेल कर रहे हैं कोई गुड्स, तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड कॉस्ट होते हैं। जैसे अगर हम कोई गुड्स गोडाउन से डायरेक्ट उठाते तो वहाँ हमें कम प्राइस लगता है। तो जैसे कि हमने यहाँ डाला, जैसे 40 रुपये पड़ता है, और वही गुड्स सप्लायर के पास आते आते उसका रेट बढ़ जाता है, या फिर वो बढ़ा देता है अपनी प्रॉफिट और एक्सपेंसेस जोड़ता है उसमें, जो भाड़ा लगे, उसके खर्चे लगे, जो भी गोडाउन से उसके दुकान तक लाने में, तो वो सारे खर्चे वो इंक्लूड करके जितना प्रॉफिट हो वो इंक्लूड करता है, और जितना उसका एक्सपेंस हुआ वो दोनों जोड़ करके वो यहाँ पे रेट दे देता है। मान लीजिए 40 रुपये पर केजी गोडाउन से लाया और यहाँ पे वो 42 रुपये पर केजी बेच रहा है। उसी तरह अगले महीने में वो 42 रुपये पर केजी लाया तो बेच रहा है 43 रुपये पर केजी। उसी तरह वो उससे अगले महीने में जून में वो 45 रुपये लाया और बेच रहा है 46 रुपये पर केजी। इसी तरह हम इसे करके एक्सेप्ट कर ले। ये आप परचेज रेट डालें, हो सकता है तो स्टैंडर्ड सेलिंग का रेट आप नहीं भी डाल सकते हैं, या ये आप पे डिपेंड है। अगर आप प्रॉफिट हो रहा है आपको तो ये रेट डाल सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं डालेंगे। मैं इंटरप्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे।
हम जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ आएंगे रेट ऑफ ड्यूटीज पे, इसे हम कुछ नहीं करेंगे और हम डायरेक्ट यहाँ इसे एक्सेप्ट कर लें। इसे हम एक्सेप्ट कर लें। अब हम वापस आएंगे एस्केप की से गेटवे ऑफ टैली पे, और हमने जो ये स्टैंडर्ड रेट क्रिएट किए हैं वो स्टैंडर्ड क्रिएशन रेट में किस तरह से वर्क करेंगे, इसके लिए हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे एंड इंटरप्रेस। अब मान लीजिए हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तो F9 प्रेस करेंगे, वैसे ऑलरेडी यहाँ परचेज की एंट्री ओपन है। यहाँ हम किस मंथ के लिए ले रहे हैं, तो माने हम 1 अप्रैल के लिए ले रहे हैं, तो डेट हम डाल दें, सप्लायर का नंबर डाल दें, कुछ भी हो सकता है, बिल नंबर, डेट एंड इंटरप्रेस करेंगे। अब पार्टी का नाम देंगे, यहाँ से हम दूसरी पार्टी क्रिएट कर ले रहे हैं जिस पार्टी से हम ये किन रहे हैं। हमने ऑल्ट सी से प्रेस किया, कस्टमर कस्टमर बी एंड इंटर प्रेस करेंगे। सेल कर रहा था हमारा डेटर्स है, सॉरी सेंडरी डेटर्स, एंड देन हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जो एड्रेस वगैरह है सप्लायर का वो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं। सेल टैक्स नंबर है तो वो डाल दें, एंड हम परचेज कर रहे हैं तो यहाँ परचेज सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अब हम क्वांटिटी रेट और अमाउंट डालेंगे। और अब हम यहाँ से रेट और अमाउंट ले लें, जैसे कि शुगर, एंड हमने इंटर प्रेस किया, ये किस गोडाउन का है वो आ जाएगा, जैसे अहमदाबाद गोडाउन का है, और ये क्वांटिटी हम 50 केजी ले रहे हैं, और जैसे ही हम 50 केजी डालेंगे तो ये रेट खुद ब खुद ले लेगा, क्योंकि हमने स्टॉक आइटम्स में जो रेट फिक्स किए थे वो रेट यहाँ पे आ गया। इंटर प्रेस करेंगे, हमें रेट डालने की आवश्यकता नहीं, और हम आगे आएंगे। ये देखिए यहाँ पे भी क्वांटिटी 50 केजी रेट जो था वो अपने आप ले लिया, और हम इस तरह से इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो हमने दूसरे महीने के लिए बनाई थी शुगर की रेट, जैसे कि 1/5/17 में, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, बिल नंबर दे दें, और यहाँ दे दें कस्टमर बी, पार्टी नेम में इंटरप्रेस। इस तरह परचेज कर रहे हैं तो परचेज का लेजर, शुगर परचेज किया था, क्वांटिटी हम ले रहे हैं 10 केजी, और जैसे ही हमने 10 केजी डाला तो ये रेट जो मई में लग रहा था वो रेट यहाँ एक्सेप्ट हो गया। इसी तरह हम एक्सेप्ट कर लेंगे इसे, एंड तो इसी तरह हम सेल्स में अगर हमें एंट्री करनी है तो हम सेल्स में जाएंगे, F8 प्रेस करेंगे और यहाँ से सेल्स की भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे 1/4/17 को जो सेल्स वाली हमने रेट फिक्स की थी वो रेट आ जाएंगी यहाँ। पार्टीज नेम ले ले, कस्टमर सी से हमने सेल्स किया है, या फिर कोई और पार्टी बनाना हो तो हम ऑल्ट सी करके बना सकते हैं, यहाँ हम वही ले लें एग्जांपल के लिए, कस्टमर बी एंड इंटरप्रेस। जैसे हमने शुगर की जो रेट लगाई थी 1 अप्रैल की वो यहाँ खुद ब खुद आ जाएगी, सिर्फ हमें क्वांटिटी लिखनी है। मान लीजिए हम 40 केजी पर सेल कर रहे हैं, ये देखिए हमने सेल्स की जो रेट लगाई थी 1 अप्रैल को वो 42 रुपये पर केजी खुद ब खुद आ गया, और हम इंटरप्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी आ गई क्वांटिटी 40 केजी, रेट 42 रुपये पर केजी, इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसी तरह हमने जिस जिस मंथ के
जो जो रेट फिक्स किए हैं वो कर सकते हैं। वापस हम स्केप की से बाहर आएंगे अकाउंटिंग इन्फो पे या फिर इन्वेंट्री इन्फो पे, और हम यहाँ से चाहें स्टॉक आइटम में आके अल्टरेशन में आके इन सारी जो गुड्स हैं इनकी भी फिक्स रेट या स्टैंडर्ड रेट हम फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से ले रहे कोई फॉर्चून ऑयल, हमने सेलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया और यहाँ से हम इसकी रेट को फिक्स कर सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड रेट हम यहाँ यस कर देंगे जो महीने के लिए, जैसे एक अप्रैल 2017 के लिए ले रहे हैं, रेट लग रहा है ऑयल का 120 रुपये पर केजी। इसी तरह सेल्स में भी हम कर सकते हैं ये अप्रैल के लिए, और बेच रहे हैं हम 121 रुपये पर केजी, और इसकी भी एंट्री हम उसी तरह कर सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ से किसी भी आइटम्स की या फिर कोई भी आइटम्स की स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर सकते हैं। वापस हम स्केप की से आएंगे बाहर, और अब हमने जो तो इस तरह से हम किसी भी रेट या किसी भी आइटम्स की स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा स्टॉक आइटम्स की स्टैंडर्ड रेट फिक्स करना, जिस कौन कौन से महीने में हमें कौन कौन सा रेट देना है या फिर किस रेट से वो गुड्स परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप हमारी DVD परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.iptindia.com पे लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।